हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही अमेजिंग वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे सन टैनिंग से अपने आप को बचा सकते हैं एंड कैसे जब हम बाहर धूप में जाते तो हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाती है, डल हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा बर्निंग भी हो जाती है स्किन पर। तो उससे अच्छा है कि हम क्यों ना अपने इंडिया के ऐसे प्रोडक्ट्स कुछ यूज़ करें जो बहुत ही अच्छा वर्क भी करते हैं एंड अफोर्डेबल रेंज में भी आते हैं। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले ये देख लीजिए, ये है प्रोडक्ट जिसके बारे में आज आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ और बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है गाइस। मैंने फर्स्ट टाइम जब इसको यूज़ किया मुझे लगा नहीं था कि ये इतना अच्छा वर्क करेगा, बट सीरियसली ये बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है। तो गाइस, ये है VLCC का नेचुरल साइंस D10+ वाइट ग्लो बॉडी लोशन है गाइस। ये मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन है एंड गाइस, पहले तो आप पैकेजिंग देख लीजिए, कितनी सिंपल है बट ब्यूटीफुल पैकेजिंग है, ठीक है, प्लास्टिक पैकेजिंग है। एंड गाइस, ये आता है 299 रुपीज का, यहाँ पर मेंशन है। एंड ये है 350 ml क्वांटिटी के साथ। एंड गाइस, 300 रुपीज में आपको 350 ml क्वांटिटी के साथ इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, बहुत ही अमेजिंग वाला प्रोडक्ट है गाइज। अगर आप बहुत सारे बॉडी लोशन यूज़ कर चुके हो ना और आपको कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा है सन टैनिंग में या फिर डल स्किन में या फिर बहुत ही ज़्यादा इची वाली स्किन हो जाती है या फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब स्किन पर है ना ऐसे रहता है कि पता नहीं क्या हो रखा है, कुछ दाने दाने से हो जाते हैं या फिर मतलब फटी फटी सी स्किन हो जाती है ना, तो वो बहुत ही गंदी भी लगती है देखने में, क्योंकि अब वैसे भी समर्स है तो हम जो कट स्लीव्स वगैरह भी पहनते हैं, टॉप्स वगैरह भी पहनते हैं, तो उसमें जब वो हैंड्स वगैरह पर दिखती है स्किन तो बहुत ही गंदी लगती है। उस चीज़ के लिए गाइज ये बहुत ही अच्छा बॉडी लोशन है एंड बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में भी है इस क्वांटिटी के साथ। एंड मैं अभी आपको यूज़ भी करके दिखाऊंगी इसका जो टेक्सचर है। एंड गाइस, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया ना, मैंने आपको इसको दिखाया था मेरे नायका प्लस पर्पल हॉल में, दोनों हॉल मैंने एक ही साथ की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार प्लीज़ चेकआउट कर लेना उस वीडियो को भी। एंड या तो गाइज, मैंने तब इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, फर्स्ट डे यूज़ किया था इसका, मुझे मतलब टेक्सचर ऐसा लगा था यार ये बहुत ही अजीब सा, थोड़ा सा थिक वाला जो टेक्सचर हो जाता है ना वैसा कुछ मुझे लगा था। बट गाइज, जब मैंने इसको यूज़ किया ना मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि मेरी मैंने आपको बताया भी है कि मेरे हैंड्स पर थोड़ी सी टैनिंग है क्योंकि मैं कट स्लीव्स वगैरह पहनती हूँ, बाहर जाते हैं तो टैनिंग हो ही जाती है, लेकिन मुझे हैंड्स पर बहुत ज़्यादा जल्दी टैनिंग होती है, मतलब बहुत ही जल्दी से टैनिंग होती है मेरे हैंड्स पर। एंड तो उस चीज़ के लिए गाइज इसने बहुत ही अच्छा वर्क किया, टैन को अच्छे से रिमूव करता है, फेड करता है एंड नरिशिंग भी अच्छे से प्रोवाइड करता है स्किन में। एंड जितनी भी मतलब अजीब सी लेयर होती है ना स्किन पर, फटी फटी सी स्किन रहती है या फिर वाइट वाइट सा, जब भी आप कुछ ऐसे ऐसे करते हैं तो वाइट वाइट कुछ मतलब ऐसा पाउडरी इफेक्ट सा आ जाता है, तो उस चीज़ से ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट करता है गाइज। एंड सन डैमेज से अच्छा प्रोटेक्शन करता है क्योंकि ये आता है SPF 30+ के साथ में। एंड तो आपको सनस्क्रीन भी मतलब अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि गाइज हमारे फेस के साथ साथ हमारी बॉडी को भी सनस्क्रीन की बहुत ज़्यादा नीड होती है समर्स में। एक बार को विंटर्स में चल जाता है कि हाँ चलो हफ्ते में एक बार हम निकल गए ऐसे जल्दी जल्दी में, लेकिन हाँ अगर आप समर्स में ऐसे निकलोगे तो एक दिन में ही ऐसी टैनिंग आने वाली है ना आपकी बहुत ही ज़्यादा। और वैसे भी तो इस बार तो मुझे लग रहा है कि समर्स बहुत ही ज़्यादा पड़ने वाले हैं, गर्मी अच्छे से पड़ेगी, लेकिन गाइज ये उस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। एंड गाइज, मेड इन इंडिया वाला प्रोडक्ट है ये, तो जब हम बाहर के इतने और मैं तो वैसे भी ज़्यादातर कोरियन प्रोडक्ट्स ही यूज़ करती हूँ आपको पता ही है, लेकिन मुझे गाइज ये इंडिया का बेस्ट प्रोडक्ट लगा है ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। एंड अगर बात करी जाए बॉडी केयर के लिए कोई प्रोडक्ट की, तो ये मेरा फेवरेट वाला प्रोडक्ट है। एंड गाइज, मैंने और भी बहुत सारे बॉडी लोशंस ट्राई किए हैं, लेकिन जो इसका अमेजिंग वर्क मतलब रिजल्ट मुझे दिखा है ना टैनिंग के लिए, बहुत ही अमेजिंग वाला है। एंड या तो गाइज, ये आता है विद गुडनेस ऑफ एलोवेरा एंड ये है पैराबिन फ्री। एंड या गाइज, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो मेन तो है एलोवेरा, जो हमारी इचिंग के लिए या फिर हमारे एलर्जी जो आ जाती है समर्स में एंड जो भी मतलब दाने वगैरह हो जाते हैं, स्किन डल दिखती है या फिर मतलब जो भी होती है रेडनेस हो जाती है या फिर और भी जैसे प्रॉब्लम्स हो जाती है टैनिंग की वजह से, जगह जगह स्पॉट्स आ जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। एंड या
तो गाइज इस पे मेंशन है कि ये आता है मॉइस्चराइजिंग फॉर्मूला फॉर्मूला के साथ में बहुत ही इफेक्टिवली, एंड जो प्री मैच्योर एजिंग आ जाती है स्किन पर। गाइज ऐसा नहीं है कि हमारे फेस पर ही प्री मैच्योर एजिंग जो होती है उसके साइंस दिखते हैं, जैसे कि रिंकल्स आ जाते हैं या फिर जगह जगह पिगमेंटेशन हो जाती है। ये नहीं है कि हमारे सिर्फ फेस पर दिखती है, वो हमारी बॉडी पार्ट्स पर भी दिखती है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और मैंने आपको दिखाया कि मैं इसको फेस पर भी अप्लाई करती हूँ। मतलब जब, ये नहीं कि मैं इसको रेगुलरली अप्लाई करती हूँ, जब अप्लाई करती हूँ जब मेरा फेस पर मसाज करने का मन करता है, ठीक है, तो मैं इसको फेस मसाज के लिए भी वर्क करती हूँ। लेकिन उसके बाद में इसको मैं वॉश ऑफ कर देती हूँ नॉर्मल वाटर से, किसी फेस वॉश वगैरह से नहीं, नॉर्मल वाटर से मैं इसको वॉश कर देती हूँ। एंड गाइस ये ब्राइटन्स करता है स्किन को, जैसे मैंने बोला अभी कि टैनिंग को ये रिमूव करता है, तो ऑब्वियसली ब्राइटन स्किन ही होगी। एंड अच्छे से हाइड्रेट करता है एंड लिविंग स्किन नरिश्ड एंड ग्लोइंग ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करता है। एंड गाइज मतलब ओवरऑल ये बहुत ही अमेजिंग वाला प्रोडक्ट है। आपको किसी भी मतलब हैंड्स पर या फिर लेग्स पर कहीं भी स्पॉट्स वगैरह हैं, ब्लैक या ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, इचिंग रहती है या फिर रेडनेस हो जाती है बाहर निकलने से, या फिर मतलब कुछ जो एलर्जी टाइप वगैरह के जो दिखते हैं ना बॉडी में, तो उस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। एंड गाइस अफोर्डेबल रेंज में है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं तो इसको ट्राई कर ही रही हूँ गाइस जब से मैंने इसको परचेज किया। फर्स्ट टाइम इसका जो टेक्सचर लगा था मुझे थोड़ा सा थिक लगा था, लेकिन गाइस ये वर्क अमेजिंग करता है। लगाने के बाद थोड़ा सा थिकनेस लगती है कि हाँ कुछ अप्लाई किया है, लेकिन उसके बाद एकदम से ये ड्राई हो जाता है स्किन पर, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसका फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है एंड इसका टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा है, बस लगाने के बाद थोड़ा सा थिक लगता है। एंड मेन इंग्रेडिएंट इसका गाइस एलोवेरा है, और जो इसके इंग्रेडिएंट है जैसे कि सोडियम हो गया, एक्वा हो गया, या सेट्रिक एसिड हो गया, या फिर जो भी इसके मतलब और इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं सारे। एंड गाइस जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था ना, मुझे लगा था इसका वाइट कलर है, लेकिन जब मैंने इसको 2-3 दिन यूज़ किया तो गाइस वाइट के साथ साथ इसमें से है ना कुछ रेड रेड मतलब कुछ रेड रेड कलर भी आया, तो मुझे लगा शायद ये ख़राब है। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, इसमें है ना मेंशन भी है कि ये हर्बल इंग्रेडिएंट्स के कारण ये चेंज कर देता है कलर्स को कुछ टाइम के बाद में। एंड या तो यही इस पे मेंशन है गाइस, एंड सारी डिटेल्स मैंने आपको बता ही दी हैं। अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप लवर है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के, तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, अमेजिंग वाला प्रोडक्ट है। एंड या तो डायरेक्शन गाइज इस पे मेंशन है, जैसे कि आप मतलब जब भी आप बाथ वगैरह लेते हैं या शावर वगैरह लेते हैं उसके बाद में आपको अप्लाई करना होता है, जैसे नॉर्मल आप कोई भी बॉडी लोशन अप्लाई करते हैं। एंड गाइज इसके बाद आपको सनस्क्रीन भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यह आता है 30 SPF के साथ में, एंड बहुत ही अमेजिंगली प्रोटेक्ट करता है ये स्किन को हमारे सन से एंड यूवी रेज से। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको सन से कि आप बाहर जाए और टैनिंग वगैरह हो तो अच्छे से। लेकिन गाइस ये नहीं है कि आप इसी पर ही वो रहें, थोड़ा बहुत मतलब प्रोटेक्ट करके चले अपनी स्किन को, जैसे कि आप कुछ भी मतलब मतलब जितना हो सके धूप से बचें, ठीक है। तो या एंड गाइस और भी कुछ तो मतलब सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को बताई दी हैं, अगर आपको किसी और प्रोडक्ट पर देखने कोई वीडियो। सो गाइज पहले ना आप लोग इसका टेक्सचर देख लीजिए, बहुत ही अमेजिंग टेक्सचर है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसा है ये यूज़ करके। एंड या तो इसका मैं इतना अमाउंट लूंगी, देख लीजिए आप। एंड गाइज आप देख लीजिए ये व्हाइट कलर में है वैसे तो, लेकिन अगर आप साइडों में देखोगे ना थोड़ा सा ध्यान से, अगर कैमरे में दिख जाए तो गाइज इसमें ना साइडों में ये रेड कलर आ रहा है। और गाइज ये फर्स्ट टाइम जब मुझे मतलब दिखा था ना, तो मुझे लगा था कि ये खराब वाला प्रोडक्ट आ गया है, काफ़ी टाइम जो एक्सपायरी वगैरह हो जाते हैं प्रोडक्ट्स, तो मुझे वो लगा था। लेकिन गाइज मैंने फिर इसकी डेट वगैरह चेक की, मैन्युफैक्चरिंग की और एक्सपायरी की, दोनों सही थी एंड काफ़ी टाइम है अभी इसको एक्सपायरी डेट में। एंड गाइज ये आता है क्योंकि जो इसके इंग्रेडिएंट्स है ना हर्बल वाले, वो थोड़ा सा है ना कलर चेंज कर देते हैं जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होते हैं उनके, मतलब थोड़ा सा टाइम बाद वो कलर को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से है ना ये कलर आ जाता है रेड वगैरह या कोई और कलर जिसमें मतलब होगा इसमें। तो वैसे ये सेफ प्रोडक्ट है, और वैसे भी गाइस मेड इन इंडिया में, और वो भी समर्स के लिए, इतना अच्छा बॉडी लोशन इतनी अच्छी अफोर्डेबल रेंज में और अच्छी क्वालिटी के साथ, और
क्वांटिटी के साथ दोनों ही चीज़ें मिल रही हैं आपको इसमें। तो गाइस बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट लगा गाइस ये तो मुझे। एंड थोड़ा सा थिक जैसा कि टेक्सचर है इसका, लेकिन एब्जॉर्बेशन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही फास्टली एब्जॉर्ब हो जाता है, आप देख लीजिए। एंड शाइनिंग ऐड कर देता है और बिल्कुल भी है ना वाइट कास्ट नहीं करता है स्किन पर, जैसे कि होता है ना कुछ कुछ सनस्क्रीन ऐसी हो जाती हैं जिनका टेक्सचर ऐसा होता है कि अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा वाइट वाइट लगता है, तो गाइज वो इसके साथ बिल्कुल भी नहीं, अच्छे से नरिशिंग प्रोवाइड करता है। एंड गाइज बहुत ही मतलब स्किन को सॉफ्ट कर देता है, ग्लो कर देता है, एंड टैन को भी अच्छे से रिमूव भी करता है ये। तो अगर आपकी बॉडी पर टैन हो गई है तो एक बार इसको जरूर ट्राई कर लेना, अफोर्डेबल रेंज में है। तो मैंने ये कोई भी मतलब स्पॉन्सर वीडियो नहीं अपलोड की है, तो एक बार इसको ट्राई कर लेना परचेज करने के बाद ही, और बहुत सारे इसके रिव्यूज देखने के बाद ही मैंने इसको परचेज किया, इसको ट्राई किया, तभी मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ। तो एक बार इसको ट्राई करना तो बनता है गाइस। एंड या अगर आपको और कोई वीडियो देखनी हो तो मुझे जरूर बता देना कमेंट करके। एंड गाइस इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है, वैसे तो जो फ्लावर्स वगैरह की फ्रेग्रेंस होती है वैसी है, कोई ये नहीं है कि परफ्यूम वगैरह है इसमें, लेकिन गाइस फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है, मतलब जो फ्लावर्स वगैरह की हो जाती है वैसी फ्रेग्रेंस है इसकी, बट काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस में है। तो एक बार इसको ट्राई जरूर करना। अगर आपको और कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई और वीडियो आपको देखनी हो किसी टॉपिक पर तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना, एंड आई होप ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगे, ठीक है? तो प्लीज़ इसका लाइक शेयर कर देना, एंड आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टा पर, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी सेफ गाइज़।